उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी घमासान बढ़ने के बीच पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी और अब बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल ने कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव के दावों को खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि 1995 की कुख्यात लखनऊ गेस्ट हाउस की घटना जो सालों तक मीडिया में छाई रही वो अतीत के सपा के कुशासन का एक जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने याद किया कि बुलंदशहर में करीब एक दर्जन लोगों ने मां बेटी को सड़क से घसीटकर परेशान किया था। उस मामले में एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि जब दुनिया इस मुद्दे पर समाजवादी सरकार को शर्मसार कर रही थी तब उसके ही वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद आजम खान बेशर्मी से आरोपी का बचाव कर रहे थे। पूर्व डीजीपी ने कहा कि बदायूं में इसी तरह की घटना में समाजवादी पार्टी के एक सांसद के एक करीबी का नाम सामने आया था और इस वक्त सपा सरकार ने एक शब्द नहीं बोला था। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ के आशियाना रेपकांड, अवैध खनन, भ्रष्टाचार सहित कई घटनाएं गिनाते हुए सपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सपा सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार के बीच का अंतर स्पष्ट है। जहां पिछली सरकारों ने गुंडों, माफियाओं और असामाजिक तत्वों के साथ पक्षपात किया, वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों को चौंका दिया है। उनमें से कई पहले ही मर चुके हैं और अन्य या तो राज्य से भाग चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अब सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों महिलाओं को रोजगार, पीएससी में महिला बटालियन की स्थापना, पुलिस थानों में पहली बार अधिक महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती सरकार की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था के दावों पर सपा को घेरा है। आपको बता दें पूर्व डीजीपी ने सपा को घेरा है और ऐसे में अखिलेश पर ये तंज कसा है। चलिए, सपा नेता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी जी नमस्कार। कपीश जी, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको मैं बता दूं पूर्व डीजीपी और जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं ब्रजलाल ने कहा है कि सपा की जब सरकार थी तो कानून व्यवस्था उस समय बहुत ज्यादा खराब थी, माफियाओं का उस समय राज था। देखिए, ब्रजलाल साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अब नेता है और राज्यसभा के सांसद है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। तो जब इतनी चीजों से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नवाज दिया है, जबकि उन्होंने हमारे कार्यकाल में काम किया है, लेकिन कार्यकाल उनका बहुत ही विवादित रहा और उनके ऊपर 302 का भी मुकदमा हुआ, क्योंकि उनकी अभिरक्षा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और न्यायिक जांच के बाद ये मुकदमा उन पर हुआ था, जो न्यायालय का प्रोसीजर होता है 321 CRPC का। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि DIG साहब जो भी बातें कह रहे हैं हमारे भाजपा के, अब वो नेता है और उसका कोई मतलब नहीं है। इस वजह से कि अगर आज आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पे 302 307 का मुकदमा हो, यानी कि हत्याभियुक्त हो, डिप्टी मुख्यमंत्री पर इस तरीके की गंभीर धाराएं हो, 419(2) भी हो, अपहरण के केस और मोहम्मद गौस के भी हत्या का आरोप रहा हो। तो आप ये सोचिए कि अभी ADR की रिपोर्ट है कि इनके 117 विधायक उत्तर प्रदेश के हीनियस क्राइम के अंदर हैं, उनके संज्ञेय धाराएं हैं और इनके 35 सांसद ऐसे हैं, तो क्या ADR की रिपोर्ट भी गलत बता रही है? और दूसरा, NCRB की रिपोर्ट कहती है कि हमारे शासनकाल के बाद जब इनका शासन कराया उसके बाद आज जब 2018-2019 के बाद इन्होंने इसके आंकड़े प्रस्तुत करने शुरू किए, तो आप देखिए आज क्या कि पहले से अपराध इस समय 7.50% हीनियस क्राइम के बढ़ चुके हैं। कपीश जी, जो कुछ भी आप कह रहे हैं इसका मतलब ये माना जाए कि कानून व्यवस्था जो थी सपा की सरकार में वो सब सही थी, एकदम सही थी, और जो अब पूर्व डीजीपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। इसमें कहीं दो राय नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो आंकड़े की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको सारे तथ्यवार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आप देख लीजिए कि इस समय उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ यौन अत्याचार हो या छेड़छाड़ के मामले हो या उनकी प्रताड़ना का मामला हो, इस समय भारत में नंबर वन पे है। और 7.50% जो है वो क्रिमिनल क्राइम बढ़े हैं। प्रदेश में ये सब मामले तो तब भी आते थे, ऐसा तो था नहीं कि तब इन मामलों में लगाम लगी थी या कब हुए थे, तब भी ऐसे थे, अब भी ऐसे है? नहीं, तब भी वैसे नहीं थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इनमें वृद्धि हुई है। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस अभिरक्षा में 467 मौतें हुई हैं, उसकी जिम्मेदार योगी सरकार है,
22 भारत के अंदर 22 फेक एनकाउंटर की जांच मानव अधिकार आयोग ने किया, जिसमें से 17 उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर साबित हुए हैं और उसमें 28 करोड़ रुपए की शस्त्र मानव अधिकार आयोग के द्वारा लगाई गई है। तो ये हमारे तो विवरण है नहीं और हमारे शासनकाल में नहीं हुए। अगर हमारे शासनकाल में हुए हो तो डीजीपी साहब को मैं कहता हूँ कि वो जलाल साहब जरा आ जाए और आंकड़े और तथ्य पेश कर दे। मैं तो तथ्यों के साथ आपको आंकड़े दे रहा हूँ। और मैं दूसरी चीज कहता हूँ आपसे कि यहाँ जो फेक एनकाउंटर हुए या पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई, इसके अलावा आपने नहीं देखा दो दो शूट आउट जेल के अंदर हो गए, मुद्रा बजरंगी की हत्या कर दी गई जेल के अंदर और आज तक चार्जशीट नहीं आई। आपने देखा कि अभी जो है त्यागी के द्वारा 3 शूट आउट जेल के अंदर किए गए। तो ये सब कहा क्या है? जब आदमी जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम जीवन कैसे सुरक्षित होगा? आपने ये भी देखा कि देवमणि इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या जो है इनके एसपी ने 6 लाख रुपए फीस मांगने पर कर दी और आज तक गिरफ्तारी नहीं। योगी सरकार चूड़ी पहने हुई है। तो आप खुद बताएं, नवीन गुप्ता जो कानपुर के व्यवसायी थे, गोरखपुर में थानाध्यक्ष के द्वारा उनसे वो प्रताड़ना करते हुए गोली मार दी गई जबरन वसूली के नाम पर, तो आप बताइए आज कहाँ है? ठीक है कपीश जी, कपीश जी आप जो कुछ कह रहे हैं अगर उसे सही मान लिया जाए तो फिर जनता ने नाराजगी क्यों दिखाई? जनता ने 2017 में फिर क्यों हटा दिया आपकी सरकार को? नहीं तो जनता ने इसलिए हटा दिया और बहुत अच्छा किया कि हटा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनता ने को इन्होंने कहा था कि हम 15 साल सत्ता से दूर हैं, अगर हमारी डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम राम राज्य स्थापित करेंगे और हम सर्वाधिक विकास का काम करेंगे, चातुर्दिक विकास करेंगे। तो जनता ने 15 साल तक इनका शासन नहीं देखा था। इनकी बातों के विश्वास में आकर के हमारी जनता ने भारी बहुमत से इनको जिताया और हम पर विश्वास नहीं व्यक्त किया। लेकिन आज जनता भोग रही है कि ना राम राज्य आया, यहाँ तो ये दारू राज्य स्थापित कर दिए। इन्होंने बकायदा जो है 750 ऐसी मृत्यु हमारी नागरिकों की कराई है जिसमें जो है जहरीली शराब परोसी गई। तो ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है और आप लोगों के द्वारा ही ये सारी चीजें प्रमाणिक रूप से आई है समय समय पे। हम तो उन्हीं तथ्यों को दोहरा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जनता अब ना इनको सबक सिखाएगी 2022 में। ठीक है कपीश जी, वो तो देख लेंगे जनता किसको सबक सिखाएगी 2022 में किसको नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि सपा सरकार पर पूर्व डीजीपी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बदायूं में भी कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में कानून व्यवस्था जो थी पूरी तरह से बेकार थी और कानून व्यवस्था के दावों पर उन्होंने अब सपा सरकार को